नमस्कार। आज हमारे जाना जी कब दोष कैसे बिगड़ जाला ओकर कारण के बारे में जाना जी। आप लोगों के था हो गए, आप लोगों के हम पहले वीडियो में बता चुकल बाटी कब दोष के रोग का हो। आज हमारे कब दोष के रोग भी जानल के लक्षण भी जानल के आज हमारे जान जी कारण कौन कारण से लागल कब दोष, कौन कारण से कब दोष बिगड़ जाला ओकर बारे में हमारे जाना जी। आप लोगों के था कब दोष के रोग, मोटू रोग हो गई, श्वास संबंधी रोग हो गई, फोक्स रोग संबंधी जितना भी रोग बा उकुल हो गए, शुगर हो गए उहो फोक्स मला, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई मोटापा अर्थात ओबेसिटी जे कहने मोटापा उहो अर्थात कब दोष में आवला। ओकर बाद कान के रोग, नाक के रोग, आँख के रोग, दिमाग के रोग, ये कुल सब कब दोष में आवा। अब कौन कारण से कब दोष बिगड़ जाला ओकर बारे में जानने जी। लक्षण आप लोगन जान गेल के सर्दी जुकाम हो जाला, खांसी हो जाला, ओकर बाद नाक से पानी गिराला उकुलते लक्षण भी जानल गे आप लोगन। ओकर बाद कहने श्वास लेने में तकलीफ होला उकुल भी जानल गे आप लोगन के कहा कि कब दोष बिगड़ जीते और लक्षण सर्दी जुकाम आ जाला ओकर साथ साथ थकावट हो जाला, श्वास लेह में अठारो हो जाला, ये कुल लक्षण होने ऐसा ऐसा लक्षण देखे के लिए। अब कौन कारण से बिगड़ल ओकर बारे में हम आज हमने बात कर लीजिए। यदि आप अधिक तेल के सेवन कर रही ते आपके कब दोष बिगड़ जी। आपके शरीर में यदि कब दोष बिगड़ल तो पूरा सिस्टम के बिगाड़ देगा, वही बनाते कब दोष बचाए खातिर तेल कम से कम सेवन कर जी। आप तेल अधिक खा जी तो आपके कब दोष बिगड़ जी, जिसके चलते आपके शरीर में कब दोष के लक्षण देखे मिली, कब दोष के रोग भी देखे मिली। रोग का हो वो भी हम बता दिली, कब दोष के लक्षण का हो वो भी बता सकिए। ओकर बाद तेल के सेवन से कब बिगड़ा तो आपके पात भी बिगड़ जी, पित्त भी बिगड़ जी, एक अंश के बैलेंस के काम कब दोष करा। यदि कब बिगड़ा तो आपके दर्द भी पैदा करें, आप तेल खाई जी आपके मोटो में जाके असर पड़ी, आपके मोटो में दर्द होने लगी, आपके चेस्ट में दर्द होने लगी, ये कब दोष में आवाला। आप तेल ना खाई जी ज़्यादा, यदि ज़्यादा खा जी तो आपके कब दोष बिगड़ जी, ये कारण हो गया पहला कारण। दूसरा कारण चिकनाई युक्त वस्तु, जितना भी चिकनाई युक्त वस्तु बाटे हमारे चिल्लोपन ले सका जाए, तेल और चिकनाई युक्त वस्तु जितना भी बाटे सब एक में एक नंबर भी नहीं होता। दूसरा में ले लें जी हमारे दूध और दूध से बनाई मिठाइयाँ, जितना भी आप दूध खा जला जैसे भैंस, गाय, ऊंट, बकरी, हाथी, जितना भी दूध खा जी अर्थात दूध खा जला ये सब कब के बिगाड़े वाला हो। यदि आप दूध और दूध के बनल मिठाई अधिक सेवन कर जीते आपके कब बिगड़ जी, आपके शरीर में कब दोष संबंधी रोग देखे मिल जी, हाई कोलेस्ट्रोल हो जी, मोटापा हो जी, लीवर संबंधी रोग लग जी, सिरोसिस हो जी अर्थात ये कब बिगड़ जी तो आपके पित्त भी बिगाड़ देगा। ओकर बाद मोटू भी आपके कमजोर पर जी, मोटू रोग भी लग सकी, फोक्स संबंधी रोग लग सकी अर्थात कब दोष बिगड़ जी। आप दूध और दूध के मिठाई अधिक सेवन कर जीते। ओकर बाद में हमारे कब बिगड़ने वाले में तीसरा नंबर में हमारे ले सकल जी ठंडा और फ्रिज के सेवन के अर्थात ठंडा और फ्रिज में रखल के सेवन कर जीते, चाहे जो चीज आप फ्रिज में रखल गया वो ठंडा हो जाला ओके आप सेवन ना कीजिए, और ठंडा फ्रिज के पानी भी ना पियल जी। इस अगर पियल जी तो आपके कब बिगड़ जी, आपके सर्दी जुकाम हो सके। अगर ठंडा पानी पियल जी तो आपके सर्दी जुकाम हो सके, बुखार भी आ सके, ओकर बाद
फ्रिज में रखल के आप खाना खा जी ते आपके दोस्त अर्थात कप दोस्त बिगड़ जी आप रोगी बन जल जी वही के नाते आप फ्रिज में रखल के क्यों भी खाना ना खा जी अर्थात आइसक्रीम जो कहने वो भी ना खाए जी उससे आपके कफ दोष बिगाड़ देगा। जितना भी आइसक्रीम बा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम इको न सेवन कर जी इस सेवन में आपके कफ दोष बिगड़ जी। चौथा नंबर में हमारे ले सकल जी धुआं धुआं और धूल धूल में अधिक सेवन बैठा जी ते आपके कफ बिगड़ जी अर्थात आप धुआं धक्कड़ में अर्थात आप धुआं धक्कड़ में अधिक काम कर जब तक कंपनी में जैसे धुआं होल के ठाव में अधिक काम कर जी ग्रिल में अधिक काम ग्रिल में जो काम कर वो में से धुआं निकलला वो आपके फोक्सो के जाके असर पड़ला आपके फोक्सो बिगाड़ती है। ओकर बाद हमारे कफ दोष में दे सकल जी घ्यू भी आ सकल घ्यू न खाई जी कफ दोष बिगड़ जी अधिक घ्यू खाई जी तब के कफ दोष बिगड़ जी आप कफ संबंधी रोगी हो सकल जी आपके कोलेस्ट्रोल हो जी। मासू न खाई जी चिकनाई वस्तु में कोलेस्ट्रोल युक्त में हमारे मासू के ले सकल जी अर्थात जितना भी अंडा मासू बाटे इक्वल हाई कोलेस्ट्रोल होने एक आपके कोलेस्ट्रोल बढ़ा दी जिसके चलते आपके कफ बिगड़ जी आप कफ दोष बिगड़ जी आप कफ संबंधी रोग लग जाए आपके शरीर में। ओकर में बाद में चीनी हो गए आप चीनी के अधिक सेवन कर जी तो आपके कफ दोष बिगड़ जी आप कफ संबंधी रोग में आप चल जाए जी। अधिक मिठाई यदि आप अधिक मिठाई खा जाता तभी भी आपके शरीर में कफ दोष बढ़ जाए आपके कफ दोष डिसबैलेंस हो जाए जिनके चलते आपके शरीर में कफ दोष के रोग देखे को मिल जाए। ओकर साथ साथ है नून भी कफ दोष बढ़ा देला वही नाते कम नून खाए जी कफ दोष रोहन। एकर साथ साथ है भी हमारे कफ दोष के कारण के बारे में जान जाएंगे अब ओकर निवारण कैसे करल जी कफ दोष यदि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ गए तो ओकर निवारण कैसे कर जी निवारण के खातिर हमारे दूसरा वीडियो अवश्य लेके आए जी कि कफ दोष निवारण कैसे करल जाए ओकर बारे में अवश्य दूसरा वीडियो देखल जी। आज के लिए इतना।